रोहित और विराट में, क्योंकि विराट और गांगुली को तो हमने देख लिया कितनी अच्छी दोस्ती है, वो तो अनफॉलो भी हो गया इंस्टाग्राम पे, हाथ भी नहीं मिलाया, सब कुछ हो गया, पूरी दुनिया में यही बात थी कि भाई एक तरीके से गांगुली और रोहित विराट खेलेंगे नहीं, तो इट डजंट मैटर व्हेदर दे फ्रेंड्स। मैं आपसे सवाल तो सुन लीजिए, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि सारी दुनिया को ये लगा कि जब गांगुली और विराट का ये सब चल रहा था तो रोहित शर्मा ने अपॉर्चुनिटी को सीक करा और रोहित शर्मा एक अपॉर्चुनिस्ट बने और उन्होंने वहां पे कप्तानी हथियाई बिकॉज ही वॉज एम्बिशियस कि मुझे कैप्टनसी मिल जाए। ये एक परसेप्शन है कि विराट और रोहित के बीच में भी आई थिंक हैज अ पॉइंट, एक परसेप्शन है, क्योंकि उस टाइम पे रोहित शर्मा को एक नहीं तीनों टेस्ट में तो उनकी बनती भी नहीं थी, तीनों कप्तानी उसको मिल गई। नहीं बगैर उनको जब कप्तानी मिली आई थिंक 2019 में मिलना चाहिए था रोहित, मैं भी मानता हूं लेकिन नहीं मिली ना, उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप के बाद की बात कर रहे हो ना, और 2021 में जब विराट ने बोला इनफ इज इनफ आई एम गोइंग टू लीव नहीं करूंगा तो रोहित को दिया गया विराट। फिर भी इससे आपको पता लग सकता है विराट फिर भी ओडीआई नहीं छोड़ा, ओडीआई अपने पास रखा, हाँ रखा, और कप्तानी कौन छोड़ता है, और उनका जो सबसे बड़ा चहेतीकार कोच है रवि शास्त्री ने बोला था पूरा छोड़ दो व्हाइट बॉल का, बट विराट बोला नहीं वर्ल्ड कप वियर है बेवकूफी होगा कप्तानी छोड़ो, ठीक है, और नहीं छोड़ा, ठीक है। फिर रोहित का क्या रोल था इस सब में, मैं तो ये कोई रोल नहीं था, गांगुली का तो समझ में आ गई, रोहित का रोल था कोई रोल नहीं था, रोहित का बाकी कोई रोल नहीं, कप्तानी दो लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता सच्ची में, अच्छा वो एकदम बिंदास है। बट सर फिर कप्तानी अब छोड़ दे टी20 की, अब तो हार्दिक को बना दो ना फिर, अगर उसको फर्क नहीं पड़ता, आपको आपको क्यों ऐसा लग रहा है उन्होंने छोड़ा है नहीं, तो अभी तो ऑफिशियली तो नहीं छोड़ा, नहीं ऑफिशियली अनाउंस हो गया कि हार्दिक पांड्या जो व्हाइट बॉल कैप्टन और टी20 कैप्टन डिसाइड हो जाएगा वर्ल्ड कप के बाद, बोल देंगे रोहित ने नहीं छोड़ा कप्तानी, नहीं ऑफिशियली कहां आया हार्दिक पांडे ऑफिशियली इज नॉट योर टी20 कैप्टन रोहित शर्मा, इन फैक्ट आई वुड बी सरप्राइज्ड, आई डोंट नो व्हाट इज हैपेंड बिहाइंड द सीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो नहीं जानता नहीं जानता, बट आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ रोहित मे हैव टोल्ड द बोर्ड दैट आई डोंट वांट टू बी कैप्टन एनीमोर, ओके, बोर्ड मे हैव सेड डोंट डू इट, यू स्टिल कैप्टन इन अ फ्रेंचाइजी, ओके, यू जस्ट कंटिन्यू देयर बिकॉज़ दे आर ऑल अप, और हार्दिक की अभी हेल्थ भी देखनी, मतलब फिटनेस वगैरह थोड़े लंबे टाइम देख लो, नहीं वो सब सेट है, कोई टेंशन नहीं, ओके, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इंडियन कैप्टेंसी बीच में ऐसे यूज हुआ था जैसे म्यूजिकल चेयर है ना, बिल्कुल सात लोग बन गए, मगर रोहित शर्मा यू नो वी नीड स्टेबिलिटी बिकॉज कप्तान एक ही होता है, सात कप्तान नहीं होता, 11 टीम एक, तो वी हैव टू, एंड रोहित इज अ सीनियर स्टेट्समैन, विराट नहीं है, हेलन तो फेस्ट रोहित है, रोहित को रहना पड़ता, अगर आप छोड़ देते ना, इफ यू हैव गिवन अ, अगर अनाउंस कर, अगर किया है, आई डोंट नो इफ किया है कि नहीं, अगर इट कम्स आउट रोहित इज आउट एज अ टी20 कैप्टन, हार्दिक इज इन, ठीक है, फिर भी थोड़ा यू नो तालमेल में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा इंडियन क्रिकेट में, बैलेंस ये तो बैलेंस इन आउट, क्यों वर्ल्ड कप ईयर है, क्यों वर्ल्ड कप ईयर है, वो अभी भी एक कप्तान कप्तानी कर रहा है एक बड़ा टीम का, यू नो, एंड एवरीवन, आई मीन आई डोंट नो, आई मीन धोनी वाज एन इंस्टीट्यूशन बट ही इज कैप्टन इन द मोस्ट पावरफुल फ्रेंचाइजी इन द आईपीएल व्हिच इज मुंबई इंडियंस, so if you are giving up your captaincy lakh baaton if you are giving up your captaincy t20 captaincy and your captain of a franchise shayad sabse leading franchise ke sath wo talmel nahi uska stock niche aa jayega stock niche aa jayega whatever I mean dhoni is business ki baat hai na dhande ki baat hai seedhi si baat hai ki agar I'm not sure if he has done it I'm telling you jo marzi ho lekin ye to baat seedhe seedhe dhande ki agar aapki franchise mein player hai jo ki captain hai indian team ka aapki franchise kyun nahi chahegi jo captain continue kare indian team ka बिकॉज आपका एक स्टॉक वैल्यू ऊपर होती है राइट और दूसरी जगह से हार्दिक पांड्या भी और बहुत क्रिकेट है टी20 और यू नो दीस गाइस आर नॉट गेटिंग यंगर थ्री फॉर्मेट खेलना आपको पता नहीं कितना मुश्किल है होटल लाख बातों की एक बात एंड में यही है कि फिर रोहित और रोहित की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी विराट के लिए जो सारा एपिसोड हुआ है थीम के नहीं थी बिकॉज हमको लग रहा था कि कैंप्स हैं रोहित की अलग टीम है विराट की अलग रोहित 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 सब कैरी नहीं करता एंड दैट्स व्हाई इज बिंदास एंड विराट भी कैरी नहीं करता ऐसा नहीं विराट अब देखिए रोहित और विराट कैसे मिलते हैं कैसे सेलिब्रेट करते हैं दे आर वी हैव टू सी द करंट मोमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है आगे तो होता है देखो दे 9 months यू आर ट्रैवलिंग अब मेरे साथ देखो आप कुछ साथ शो कर रहा हूँ जुमा जुमा कितना दिन हुआ है दो हफ्ता दो हफ्ते हो गए अच्छे था दो एक दिन बाय द वे अच्छे हफ्ते हुए आपके वजह से आपने बहुत सपोर्ट किया लड़ाई भी करते हैं इनके साथ कुछ करते हैं लड़ाई भी करते हैं खाना भी खाते हैं साथ खाना भी खाते हैं लड़ाई भी करते हैं उनको मारूंगा भी मैं जो ग्राउंड में जाएगा आउट भी करूंगा सब कुछ करूंगा इसके मतलब ये नहीं कि वो मेरे सपने को एक प्रोग्राम आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने उसका नाम मुंगेरी लाल पड़ जाएगा ऐसा ऐसा होता है लीजिए नाम लीजिए अच्छा मैं वो कह रहा था कल का मैच है ना उसके बारे आप में सवाल लेने वाले थे हाँ, हाँ, सवाल ले लेते हैं चार सवाल ले लीजिए उसके बाद कल का मैच प्रीव्यू करके खत्म करते हैं सवाल पीयूष कुमार मकवाना भाई मेरा कहने का मतलब है
कि कोई भी पर्सन सिर्फ चांस दे सकता है परफॉर्मेंस प्लेयर को, बिल्कुल सही बात है आपकी 100%, बट वो चांस देने वाला भी बड़ा आदमी होता है। पता है क्या है, अब मैं कहीं भय जाऊंगा, छोड़ो दिखा लीजिए कॉमेंट तो बढ़ रहा है। हाँ, प्लेयर को चांस देना होता है। अगर रोहित शर्मा ने 55 की एवरेज से ओपनर वनडे इंटरनेशनल में खेले हैं तो वो रोहित शर्मा की मेहनत है, धोनी की वजह से नहीं है। एक बार आपको बताऊं, रोहित शर्मा का जाके पहले रिकॉर्ड देखो, शुरू में ही नीडेड बैकिंग, बिल्कुल ही वाज, और एक चीज, ही वाज बीइंग टर्म्ड एज द प्लेयर विद द हाईएस्ट पोटेंशियल, लेकिन डिलीवर नहीं कर रहा। नहीं, और एक चीज है, शायद वो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे होते रोहित शर्मा जो आज नहीं होता, नहीं होता, टीम में भी नहीं रहते। ऑल क्रेडिट शुड बी गिवन टू धोनी फॉर मेकिंग, उसके बाद बनाया, ऑफ कोर्स बनाया, ट्रिपल 100 कितने से, दो या तीन बनाया, तीन ट्रिपल 100 है, हाईएस्ट ओडीआई फाइनल है, बट वो खेलते हैं ना। अभी भी कोई भी किसी क्रिकेटर से पूछो रोहित शर्मा का टेक्निक, विराट कोहली से पूछो जाके किसी को, विराट कोहली तो मास्टर टेक्नीशियन है। विराट, मैं ये बता रहा हूँ, रोहित शर्मा का टैलेंट अगर विराट कोहली में होता अब तक उसका 125 हो जाता, प्रॉब्ली 110 हो जाता सेंचुरीज। ये दोनों ना एक पावर हाउस है इंडियन क्रिकेट का, एंड दैट्स व्हाई वी जस्ट विश देम ऑल द लक एंड वी वांट देम टू डू वेल इन एवरी गेम, वेदर दे टर्न अप फॉर द फ्रेंचाइजी और फॉर द कंट्री, व्हेन दे प्ले वी आर ऑन आवर एज ऑफ आवर सीट्स एंड दे आर एब्सोल्यूट चैंपियंस रियली। आई मीन इनके एज अ प्लेयर वी आर ब्लेस्ड दैट वी गेट टू वॉच देम रियली। आई मीन आप दिल से बता रहा हूँ, ऐसे प्लेयर में विराट कोहली का बैटिंग देखो यार, कैसे बंदा आता है, कैसे प्रिपेयर करता है, एक विराट कोहली कैसे, यार कहां खो रहे हो आप दोनों, आप ही के लिए मैसेजेस पढ़ रहे थे और उनको सुन भी रहे। हाँ, नहीं, कैसे उनकी भी विराट की तारीफें कर रहे हैं, सुनो ना, करेक्ट करेक्ट मैं सुन रही हूं ध्यान से एकदम, वर्ड बाय वर्ड, मजाक लग रहा है। अरे मैं सुन रहा हूं विराट की तारीफें, मैंने क्या बोला है, आपने कभी पढ़ा है कोई स्टोरी विराट कोहली एक टेस्ट मैच के लिए कैसे प्रिपेयर करता है? नहीं, सुबह उठ के आपने उसका रूम देखा था? मैंने वर्ल्ड कप में कैसे साफ रखता है रूम, मैंने हाइजीन देखा था उनका, मैंने उसको वर्ल्ड कप में प्रैक्टिस करते हुए देखा अपने सामने, प्रैक्टिस नहीं तैयारी नेट्स पे, ठीक है, बट कैसे तैयारी करते, किसी ने पूछा है बताइए आज तक? मैं तो जानना चाह रहा हूँ, आई डोंट नो, मैं इतने लोग ट्रैवल करते हैं, आप भी ट्रैवल किया, आपने पूछा था उनसे, आप उनकी बैटिंग, आप सुबह उठ के T20 मैच का कैसे तैयारी करते हो, आप उनकी बैटिंग की तारीफ करिए, मैं तो वो सुन नहीं, नहीं मैं तो उनका रूम देखा था जो लीक हुआ था वीडियो वर्ल्ड कप के टाइम में, आपने देखा था, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, सो यू नो कैन यू इमेजिन हाउ, एंड दैट्स हाउ ही कैन प्ले, बिकॉज़ आपका क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट नहीं है, खेला जाके कपड़े फेंक दिया, ये फेंक दिया, सबको सजा के रखना, सवार के रखना, एंड कपड़े पहनना, ठीक से कपड़े पहनना, आपको आपको ऑल टाइम ब्रांडेड, ऑब्वियसली इज अ ब्रांड, ही विल वेयर ब्रांडेड क्लोथ्स, बट द फैक्ट दैट ही सो his hygiene level is so good that is, you know, one has to learn from these things ki cricket sirf cricket hi khel le baki bhi elements hai that makes them a superstar to aapko appreciate karna hoga virat kohli test match ke liye kaise prepare karte aaj tak abhi aisa koi story padha aapne nahi padha maine zindagi mein to aapko karni chahiye thi kyun nahi kari aapne bhejai hi nahi mere ko aaye आपको भेजने का मेरे जरूरत है। एक मैंने सवाल पूछा था ट्विटर पे आज, प्लीज ट्विटर पे जाकर उसका जवाब दीजिएगा। मैंने पूछा था रियान पराग या अब्दुल समद किसको रखोगे टीम में, ये बता देना। अच्छा मैं फटाफट सवाल लेता हूँ, उसके बाद कल का प्रीव्यू भी आपको देंगे, थोड़ा 10 मिनट का प्रीव्यू करेंगे, जल्दी से सवाल ले लेता हूँ। वाई एवरीवन अंडररेटेड कोहली 2013 चैंपियनशिप ट्रॉफी फाइनल, किसने अंडररेट करा है, जिससे भूल गया उनको याद नहीं है, वरना बहुत अच्छा खेला था उसने। बासुदा डोंट यू थिंक इंपैक्ट प्लेयर विल बी, ये सिद्धार्थ जैन का क्वेश्चन था पहले। उज्जवल सोनी बोल रहे बासुदा डोंट यू थिंक इंपैक्ट प्लेयर विल बी बैड फॉर इंडियन क्रिकेट बिकॉज ऑफ द लाइक्स ऑफ तेवतिया, हुड्डा, अय्यर, तिलक, अभिषेक, डोंट बोल, हाउ कैन वी प्रोड्यूस गुड ऑलराउंडर्स नाउ। नहीं, एक चीज है ना, जो जो थोड़ा बुड्ढे है मेरी तरह उनका भी चांस बनेगा खेलने के लिए इंपैक्ट प्लेयर रूल के आने के बाद। सपोज पृथ्वी शॉ इज नॉट अ गुड फील्डर, तो उनको फील्डिंग मत दो, उनको बैटिंग दो। ये इसमें क्या होगा, डेप्थ आएगा, टीम को कम बैक करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो इट्स अ गुड रूल एक्चुअली। यू नो आई मीन चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट, यू हैव टू, बिकॉज अदरवाइज मोनोटोनी आ जाएगा, एक ही फॉर्मेट रोज खेल रहे, यू हैव टू ब्रिंग इन सम न्यू चेंजेस, सम न्यू डायमेंशंस टू द गेम। एंड आप वन डे क्रिकेट में देखिए कितने सारे एक्सपेरिमेंट हुए, सर्कल, यू नो कितना फील्डर बाहर रहेगा, अंदर रहेगा, न्यू बॉल, टू बॉल्स, बहुत बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट हुए। टेस्ट क्रिकेट में देयर वाज अ टॉक अबाउट 4 day matches, 4 day, बट इंपैक्ट प्लेयर गुड, एनीथिंग व्हिच इज गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन इज गोइंग टू ओनली मेक द
फॉर्मेट अच्छा एक्साइटिंग होगा. कुछ भलता बोल रहे हैं आज की शाम मुंबई इंडियंस और नितिन के नाम और नो वन लेट्स हिम स्पीक. अबे ऐसी बात नहीं है भाई, वो भी बोलता है. बोलो, बोलो. बस वो अब वो गलत सेट्स देगा तो फिर तो चुप ही कराना पड़ेगा. गलत सेट का गलत सेट दिया ना आपने रुद्राज गायकवाड. वो ठीक है, कभी कभी उस दिन से बोला पता है क्या, कभी कभी कर्ट एंगल को जिमनास्टिक्स में मिला था वो गोल्ड. ठीक है यार, नहीं बट नितिन को बिल्कुल बोला ऐसी बात नहीं है. अभी तो देखिए धीरे धीरे खुलेंगे. बट ही इज अ जीनियस नितिन. एंड नितिन ब्रो सिक्स टाइटल इज कमिंग. कुछ बलता को आप थैंक यू बोलिए. थैंक यू भाई, थैंक यू. और सिक्स टाइटल तो आ रहा है. हाँ. आ रहा है मुंबई इंडियंस. मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ, कुछ लोग नहीं मान रहे ये जो बीच में बैठे हैं.